बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भागलपुर जिले में कुल 5 सीटों के लिए मंगलवार को हुई वोटिंग का आरंभिक प्रतिशत काफी कम रहा, लेकिन धीरे धीरे उसमें इजाफा हुआ। वोटिंग का प्रतिशत भागलपुर में आरंभिक घंटों में सबसे कम रहा, जो अंतिम समय तक इस क्षेत्र में सबसे कम ही रहा, जबकि गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में शुरुआती वोटिंग का प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा, लेकिन सबसे ज्यादा मतदान करने की बाजी नाथनगर के मतदाताओं ने मार ली। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में वोटिंग की गति काफी धीमी रही। आरंभिक समय में यह कहना मुश्किल हो गया था कि मतदान का प्रतिशत पिछले आंकड़े को भी पार कर सकेगा या नहीं। भागलपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार चुनाव खासा रोचक रहा, जहां 3 प्रमुख उम्मीदवार अपने भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। भागलपुर में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे हो गई, जो शाम 6 बजे तक चला। कुछ बूथों पर ईवीएम मशीन में खराबी आने के कारण 15 मिनट तो कहीं आधा घंटे के बाद मतदान शुरू हुआ। कई बूथों पर वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी के कारण मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक लगभग 35% मतदान हो चुका था। भागलपुर में कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। एकाध जगह गलतफहमी के कारण लोगों ने अपने गुस्से का प्रदर्शन भी किया, जिस पर काबू पा लिया गया। कोविड के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एहतियात के खास उपाय बरते थे। शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित मतदान के लिए प्रशासनिक महकमा ने सुबह से ही कमर कस ली थी और भागलपुर के SSP एवं DM दोनों ही लगातार मतदान की निगरानी कर रहे थे। मतदान केंद्र पर मतदान किया और मैं सभी यहाँ के भागलपुर के मतदाताओं से भी अपील करता हूँ कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। मतदान आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है और लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका एक एक वोट अमूल्य है, इसलिए निश्चित रूप से मतदान करें। इस मौके पर SSP आशीष भारती ने बताया कि मतदान सुरक्षित हो और किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए चारों तरफ पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे मतदाता पर कोई प्रभाव न पड़े और शांतिपूर्ण मतदान वे कर सकें। सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील है और शांतिपूर्वक इसको सुनिश्चित करा रहे हैं। अभी तक कहीं से कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है या किसी प्रकार की कोई समस्या की सूचना नहीं है। फर्स्ट फेज का भी चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ था। हम लोग सेकेंड फेज का भी ये जो चुनाव है उसको शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी के लिए लड़ रहे उम्मीदवारों ने भी अपने अपने मतदान का प्रयोग किया। शहर के निवर्तमान विधायक अजित शर्मा अपनी पत्नी के साथ मतदान कर जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि लोगों को शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा की जरूरत है, इसके आधार पर लोग वोट कर रहे हैं। हम अपील करेंगे सभी भाई बहनों से कि आप लोग वोट जरूर करिए। आपके एक वोट का कीमत पूरा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, इसलिए वोट करें और बिहार का नक्शा बदले और भागलपुर का विकास करवाए। भागलपुर के सभी जनता से मेरा आग्रह कि मतदान करने जरूर जाइए। यही मतदान आपका 5 साल का भविष्य क्या होगा ये बताता है। और यदि आप मतदान करने नहीं जाते हैं तो जो प्रतिनिधि आप चुनते हैं वो ऐसे अक्षम प्रतिनिधि को चुनते हैं जो 5 साल आपका विकास नहीं करता है, फिर आप परेशान होते हैं। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं पूरे शहरवासियों को यही गुजारिश और निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें ताकि योग्य और आपके बीच आपकी मूलभूत समस्याओं से आपकी लड़ाई लड़ने वाला जनप्रतिनिधि आप चुन सकें। इसके लिए सभी लोगों को मतदान आज करना चाहिए और मेरा मुद्दा जो कल था वो आज है और आगे भी वही रहेगा। हम लोग शहर की पहली मूलभूत समस्याओं से निजात की लड़ाई के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और वही मेरा मुद्दा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भागलपुर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान का प्रतिशत इस बार कोरोना संकट होते हुए भी लगभग 6% बढ़कर 55% हो गया। 2015 में हुए चुनाव में यह प्रतिशत 7 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 49% था। 5 विधानसभा क्षेत्रों में हुए दूसरे चरण के मतदान में सबसे ज्यादा नाथनगर के मतदान ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां मतदान का प्रतिशत सबसे ज्यादा 59% रहा। इसके बाद बिहपुर में 58% वोट डाले गए। गोपालपुर और पीरपैंती विधानसभा क्षेत्रों में 57% वोट पड़े, जबकि भागलपुर विधानसभा के मतदाताओं ने अपनी सुस्ती दिखाई। यहां मतदान का प्रतिशत 50% भी पार नहीं कर सका और मात्र 43% पर सिमट कर रह गया। बेसिकली जो रुझान रहा इस बार का उसमें शुरुआत में धीरे से धीमी शुरुआत हुई, लेकिन 10 बजे के बाद से वोटिंग परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है और अंततः 6 बजे जाकर के ये फाइनल वोटिंग परसेंटेज ये रहा है
इसका यदि हम लोग पूरे ओवरऑल एवरेज की बात करें तो 54.88, पांचों विधानसभा क्षेत्र के एवरेज की बात करें तो 54.88% वोटिंग हुई है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि ये अंतिम आंकड़े नहीं है, ये एक एक बूथ से जो हम लोग आंकड़े लेते हैं उनका कागज देख करके मिलान करते हैं, उसके बाद अंतिम आंकड़े हम लोग लेट नाइट तक प्रकाशित कर पाएंगे। तो ये स्थिति रही और किसी भी विधानसभा क्षेत्र से किसी भी तरह की कोई विशेष विधि व्यवस्था की किसी तरह की समस्या प्राप्त नहीं हुई। वोटिंग के बाद सभी उम्मीदवारों की उम्मीदें फिलहाल मतदाताओं ने ईवीएम में डाल दी है, जो आगामी 10 अक्टूबर को मतगणना के दिन प्रकट होंगी। और इसी तरह देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। नमस्कार।